Can I join you? Thanks, bro. Bro, तुम तो टाइट हो गए यार. बोलो, तुम्हारे लिए टैक्सी बुलवा दूं क्या? Come on. सर, कैश की जगह कार्ड रखा है सर. एक्सक्यूज मी, लाइटर प्लीज. ब्रो, आर यू ओके? मेरे लिए भी कॉल टैक्सी बुलाने जा रहा हूँ क्या? सर सर, सॉरी सर. रिलैक्स रिलैक्स. ओके सर. कितने सालों सर? सर, यहाँ तो जब चाहे आ सकते हैं, जब चाहे जा सकते हैं. हम लोग ऐसा कुछ करेंगे तभी तो चलेगा ना सर. चाहिए क्या? मेरे पास है सर. ये कुछ और है सर. मैंने इसे ही पीकर शुरुआत की थी. अभी आप इस धंधे में नए हैं ना, हम तो पुराने हो गए हैं सर. ऐसा क्या है सर? पता नहीं मरने के बाद स्वर्ग मिलता है या नहीं, लेकिन इसका एक कश मारेंगे ना, डायरेक्ट डायरेक्ट स्वर्ग में जाएंगे. इसका अलग ही लेवल है सर. ऐसा क्या देगा मुझे? ये बहुत कॉस्टली है. कितना? बहुत कॉस्टली, 50,000 rupees की सर. ये कॉस्टली है सर? कंफर्म है ना? सीरियसली बोल रहे ना? तो मुझे भी एक सर. ओके पार्टनर. थैंक यू सर. सर सर सर, आगे थोड़ा लेफ्ट में रोक लीजिए. हाँ यहीं सर. ब्रो, हाय ब्रो. ये आजकल दिखते नहीं क्या? ये नई कार ली है क्या? नहीं है क्या? कितना ब्रो? टू. टू टू क्या? थैंक्स. तुम्हारा फ्रेंड है क्या? हाय ब्रो. कौन है? क्या बात है, तूने तो कमाल कर दिया. ठीक है, ये अपना पैसा पकड़ो. It's confirmed. Numbers are matched. बिहार का चक्कर आ गया. मुझे लॉ सूट नहीं करता सर. एक वो तो अलग बात है, यहाँ तो बहुत सारी. सर यहीं रोक दीजिए सर. कैसा लग रहा है सर? बहुत मजा आ रहा है. कुछ करने का दिल कर रहा है. करेंगे ना सर. ये क्या अंग्रेजी गाना लगा रखा है? कोई हिंदी गाना लगाइए ना सर. காசி வந்தே கொட்டுகிற நேரமிதே வாச கருவ ராசலட்சுமிய தட்டுகிற और हो गया, घर चले गया. सर बहुत भूख लगी है, कुछ खा कर चलते हैं. सर चलिए ना सर, कुछ खा के चलते हैं. इतनी महंगी गाड़ी रखता है,
और इंस्टॉलमेंट का बिल 110 रुपए का। सर आप नशे में भी बहुत अच्छी गाड़ी चलाते। मुझे नशे में ही साफ दिखता है। वाह बड़ा ऊंचा लेवल है आपका। मैं तो जरा सा नशा करता हूँ तो लड़क जाता हूँ। सत्य उधर देखो कुछ है। फास्ट फास्ट फास्ट। एक्सक्यूज मी अभी आता हूँ, मेरे बैंक मैनेजर का फोन है। हेलो एंथोनी, क्या अपडेट है? Hey विवेक, तेरा लव। ऐसा क्या? तुझे अपने दिल की बात बताऊं? तुम दोनों को एक ही मंडप में देखने की इच्छा हो रही है। मगर मगर तू 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 ना फाइनेंस की चिंता बिल्कुल मत कर। मैं हूँ ना एंथोनी, मुझे प्रोग्रेस चाहिए बस। मैं तेरे अकाउंट में 5 मिनट में और पैसे ट्रांसफर करता हूँ, रुक। वेरी गुड ट्रांसफर। विवेक तू कितना महान प्रेमी है, ये बात मुझे आज समझ में आई है। ऑल द बेस्ट, अकाउंट में पैसे आ गए। बस कीजिए जी, लोग तो ऐसे ही हैं। मोबाइल फोन पर स्क्रैच ना हो इसलिए लोग स्क्रीन गार्ड लगवा लेते हैं, मगर एक दूसरे का दिल दुखाने से पहले वो आगे पीछे देखते भी नहीं है। तुम जैसी बहन मिलने के लिए तुम्हारे भाई को बहुत पुण्य करना चाहिए था। थैंक यू। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब छोड़ दो। अगर करंट चला जाए तो लोग कैंडल ढूंढने लगते हैं। देखना तुम्हारा भाई तुम्हारे प्यार के लिए कभी ना कभी तो तुम्हारे पास जरूर आएगा। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। लाइफ एक टेंपल रन गेम की तरह है, बस भागते ही रहो। अगर वो छोड़कर एंग्री बर्ड की तरह गुस्सा होकर ड्यूएल होकर बैठ जाओ तो कैंडी क्रश बन जाओगे। अरे इस मैडम को मेरी फिलॉसफी सुनकर नींद आने लग गई। दे रहा था और तूने ही कनेक्शन जोड़ लिया। एंथोनी एक बार देख तो इसे, इसकी खुशी देख कर तो वो ताला भी अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। और मैं तो आफ्टर ऑल एक आदमी हूँ यार, तो मैं कैसे कंट्रोल करूँ? इसे देखकर तो वो सब होगा भी नहीं। देखा ना देखा ना, अब तू ही बता मैं कबूतर बन जाऊं या फिर इसका प्रेमी बन जाऊं? यार लेकिन मैं विवेक को क्या बताऊंगा? तो ज्यादा सोच मत। क्या है, कैंडी को हाथ से छीनना वो गलत होता है, लेकिन पेड़ में पके हुए आम को तोड़ना उसे तो कोई भी पत्थर मार के तोड़ सकता है। अब विवेक हाई स्कूल से ही पत्थर मार रहा, आम नहीं टूटा तो तेरी गलती थोड़ा है। भाई फिर भी ये दोस्ती में तो धोखा होगा। अरे जाने दे, उसके बारे में मत सोच। सुन, बादाम और काजू जैसे ही हाथ पे मिले वैसे ही उसे खा जाना चाहिए, उसे पीस कर खाने के लिए थोड़ा ही छोड़ना चाहिए। क्यों? अच्छा छोड़ ये सब बात। वो क्या है कि ठंड बहुत ज्यादा है, अब बॉर्डर मत क्रॉस कर जाना, ठीक है? होशियारी से है, मैं अपने रास्ते जाता हूँ, तू जरा इस लड़की को संभाल, ठीक है? सुनो सो मत जाना, होशियार रहना। हेलो
हेलो, रात भर जब तुम सोई थी तो मैंने बैठकर तुम्हारी देखभाल की है, कम से कम एक थैंक्स तो बोलकर जाओ। मेरा अपने भाई के साथ झगड़ा हुआ और यहाँ मैं तुम्हारे साथ क्लोज हो रही हूँ, तो तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें सपोर्ट कर रही हूँ। यू आर रॉन्ग। वैसे कुछ भी हो जाए वो मेरा भाई है, उसके लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा, कभी नहीं। थैंक्स। हेलो धनलक्ष्मी। ठीक है, जाओ जाओ, रेस में देखना मैं क्या करता हूँ। सर आइए, सर लोकेशन का मजा लीजिए ना सर, रील कीजिए। बोले में कौन करता है, गाना गाइए सर, हो जाएगा। ये तो आ जाएगा लेकिन मुझे गाना नहीं आएगा। गाइए ना सर। अरे तो क्या गाऊं मैं, अमिताभ बच्चन का गाना गाइए ना, जहाँ ये तेरी नजर है मेरी जान मुझे खबर है, मेरी जान मुझे खबर है, बच ना सके कोई यहाँ, बच ना सके कोई यहाँ, जहाँ ये तेरी नजर है, ये तेरी नजर है, मेरी जान मुझे खबर है, मेरी जान मुझको खबर है, जहाँ ये तेरी नजर है, तेरी ये नजर है, मेरी जान मुझे खबर है, मुझको खबर है, तेरी ये नजर है, तेरी ये नजर है, तेरी ये नजर है, मेरी जान मुझे खबर है, तेरा ध्यान किधर है, ध्यान किधर, मेरी जान मुझे खबर है, ध्यान किधर। सर मेरा गाड़ी चलाने का बहुत मन कर रहा है, चलाओ। चला पार्टनर, चला। पार्टनर क्या बात कही। पार्टनर, मैं आपका घर आ गया। थैंक्स पार्टनर। अंदर चलेगा क्या, एक एक ड्रिंक लेंगे। ऐसे क्या देख रहा है, आज के बाद जेल ही तेरा घर है। जाना, अरेस्ट हिम। सर
ये सारा पैसा वही है जो इसने बैंक से लूटा था। भोले बनकर दोस्ती का नाटक करने वाले दुश्मन, दोस्त बनकर पेट में चूरा भोंकने वालों से सामने से मुकाबला करने वाला सादा हिम्मत वाला होता है। ये मैंने नहीं, लोकमान तिलक ने कहा था। टेक हिम इन। तूने मुझे पकड़ने के लिए मुझसे दोस्ती की थी ना? बहुत गंदा है तू, बहुत गंदा। तूने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। अपना पेट खाली रख के मैंने तुम्हारी गाड़ी के टैंक में पेट्रोल फुल कराया है मैंने। एंथोनी, तू रोड में गया, तालाब में गिरा, कीचड़ में गिरा, तुझे धोकर साफ किया है मैंने। हाय। हाय मुन्ना, अब मैसूर जा रही थी, सोचा कि जाने से पहले तुम्हें बाय बोल दूं फिर चली जाऊं। इतनी जल्दी जा रही हो? हाँ मुन्ना, मुझे जाना ही पड़ेगा। एनीवे, यू टेक केयर। मैसूर ट्रेन से ही जा रही हो क्या? हाँ, पर क्यों? क्या यार, वही ट्रेन वही बोगी, बोर नहीं होती हो क्या? तो आप क्या मेरे लिए चॉपर मंगवाएंगे? चॉपर किस लिए? मेरी बुलेट है ना जो बिल्कुल रॉकेट जैसी भागती है, मेरे साथ चलो, तुम्हें सेफली पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। सॉरी, ये सब सर्कस के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सेफली ट्रेन में ही चली जाऊंगी। जब तक है तब तक जॉली है, मरने के बाद सब खाली है, गाँव में मौज और घर में एक फोटो, बस इतनी तो है लाइफ। सॉरी, नॉट इंटरेस्टेड। धनलक्ष्मी, एक बार सोच लेना, 400 किलोमीटर लॉन्ग ड्राइव, वो भी इस मुन्ना के साथ, फिर कभी ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। वाओ, इट्स सो एक्साइटिंग यार, कम ऑन यार। कल ट्रेन स्टेशन पे पहुंच जाएगी, उसके पहले मैं तुम्हें मैसूर पहुंचा दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी। इतना क्या सोच रही है यार, ही सो स्वीट, मान जाना। मैं 3 तक गिनूंगा, अगर तब तक मान जाओगी तो ठीक है, नहीं तो इस मुन्ना को और उसकी बाइक को तुम बहुत मिस करोगी। पर तुम्हें ही इतनी दूर बाइक चलानी पड़ेगी, मुझे नहीं आती बाइक चलानी। नहीं, चलेगा चलेगा, दैट्स ओके, मुझे बस 5 मिनट का वक्त दे दो, मैं अपने रिलेटिव्स को स्वीट्स देकर बाय बोलकर आ जाता हूँ। हाय बॉस, मैं तुम्हें यहाँ एक हैप्पी न्यूज़ बताने के लिए आया हूँ। एक्चुअली जो बात मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो मुंह मीठा करके बतानी चाहिए, अर्जेंटली मैं मिठाई ला नहीं पाया, सॉरी। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेवलपमेंट, तुम्हें मेरे पैर धोकर कन्यादान करने का दिन अब ज़्यादा दूर नहीं लगता। ठीक से सोच ले, घर जाकर अपनी बहन को प्रोटेक्ट करेगा या फिर इधर ही रहेगा, चॉइस इज योर्स। बार बार मुझे छेड़ रहा है तू, मेरे साथ बच्चे जैसा खेल खेल रहा है, ये तेरे लिए लास्ट वार्निंग है। बॉस, ये वार, ये वार्निंग ना मेरे लिए ना लव के लिए कोई बड़ी बात है, अरे हम तो पहले से बॉर्न फाइटर हैं, फाइट के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ।